everyone, welcome back to my channel. कैसे अपनी वैम फैमिली, फाइनली आई एम बैक टू द वीडियो वीडियो अगर मैं आज की वीडियो की बात करता हूं, यार आज की वीडियो काफी स्पेशल और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमेशा मैंने चैनल पे इंडिविजुअल बाइक्स दिखाई हैं, बट आज आपको एक बाइक नहीं, आज आपको दो दो बाइक्स दिखेंगी। और अगर मैं दोनों बाइकों की बात करूं तो आज की दोनों बाइक होने वाली है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर जीटी कस्टमाइज। तो एक काम करो यार, बाइक को देख के आओ पास से, उसके बाद मैं आपको मिलता हूं सीधा बाइक। तो सूरी साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया विशेष, आप बताइए। बस बहुत बढ़िया। तो सर, दो बाइक है आज एक साथ, हम एक ही वीडियो में लेके आ रहे हैं, कुछ तहलका लेके आए हैं, तो कुछ बताना चाहो बाइकों के बारे में। बाइकों के बारे में बोथ आर इंटरसेप्टर्स, ठीक है, जो सबसे बेसिक बात है। हम्म, तो हमने इसको थोड़ा ओल्ड स्कूल कैफे रेसर स्क्रैम्बलर टाइप का कुछ लुक दिया है। ओके, मतलब मेनली हमने क्या किया कि जो स्पोक व्हील्स, हमने स्पोक व्हील्स ही रखे हैं। टायर्स हमने थोड़े विंटेज बैलून टायर्स लगाए, बोलते हैं, वो यूज किए, ठीक है। फ्रंट और रियर में सेम साइज है। ओके, काफी फैट है इसका वॉल साइज, साइड में बहुत खूबसूरत लगती है बाइक। अगर बेसिकली इस बाइक की बात करें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक वी हैव बिल्ट ऑन इंटरसेप्टर। ओके, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेंट स्कीम चेंज किया है, पूरी बाइक का एक एक कंपोनेंट चेंज पेंटेड है। थोड़ा ब्लैक थीम दी है, ठीक है, बाइक को। हाँ, तो पूरा का पूरा ब्लैकआउट कर रखा है, इंजन, सस्पेंशन, हेडलाइट्स, एवरीथिंग। तो भैया, कहने में तो दोनों इंटरसेप्टर हैं, बट एक चीज जो दिख रही है मेरे को साफ साफ कि इसमें थोड़ा सा कम काम हुआ हुआ है, और कंपेयर करें तो यार इसमें तो मतलब कुछ ज्यादा ही आपने काम कर रखा है। तो पहले इसको कवर कर लेते हैं कि आपने इसमें क्या क्या चीजें चेंज करी हैं, कितना टाइम लगा है, फिर उसके बाद उस पर चलेंगे। ठीक है, बेसिकली ऑलमोस्ट मतलब 60-70% ऑफ द बाइक इज चेंज्ड, ठीक है, और 100% ऑफ द बाइक हमने दोबारा से रीफिनिश और रीपेंट किया। ओके, सबसे मेन तो जैसे मैं आपको टायर बता चुका हूँ, बैलून टायर्स, हाँ, टायर्स एंड व्हील्स चेंज है, सारी एक्सेसरीज चेंज है बाइक की, ओके, इंक्लूडिंग हेडलाइट, इंडिकेटर, टेल लाइट, ठीक है। इसका अगर आप डूम देखोगे तो काफी फ्लैट है, मतलब काफी चिपका हुआ है। तो वो चीज बेसिकली रखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से मीटर हटा के हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, बट इट इज विजिबल, इजिली विजिबल। ओके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है, इजिली विजिबल है, ठीक है। टैंक पे आप देखोगे तो हमने कस्टम कस्टम पेंट जॉब भी किया है, दिस इज आर नॉट स्टिकर्स, पेंट ही है, ठीक है। एंड इसके ऊपर स्पेशल जो हम खुद ही बनाते हैं, उसका टैंक प्लेट आप कह लीजिए, ओके, दिस इज ऑल्सो बेल्ट, ठीक है। साइड पैनल्स आप देखिए, दे लुक ब्यूटिफुल, मतलब थोड़ा सा डिटेल है, थोड़ा 3D में भी है, 3D में डिटेल है, जैसे कोई जैसे फिन कटा होता है वैसे एयर इनटेक के लिए, वैसा कुछ हमने लुक देने की कोशिश की है। एग्जॉस्ट इसके जैसे सुपर बाइक एग्जॉस्ट में काफी मेस्मराइजिंग आवाज है यार इनकी, फ्री फ्लो एग्जॉस्ट जो होते हैं सुपर बाइक्स में, तो वही हमने एग्जॉस्ट इसमें यूज किए हैं। थोड़ा सा हमने इसका जो बैंड है वो छोटा कर दिया। The voice is amazing. बहुत loud है, बहुत ज़्यादा ही loud है. और they are super light. मतलब easily आपकी हमारी बाइक का I think इसमें 10-12 किलो वजन बस कम हो चुका है. Okay, okay. Easily सिर्फ exhaust हटा के, क्योंकि I think 20 किलो के exhaust इसके original होंगे, 18-20. आधे कर दिया आपने. Almost आधे कर दिया. आधे से भी कम ही समझो, बहुत light weight है. Okay. पीछे से अगर हम बाइक को लें तो पीछे इसकी सीट हमने चेंज कर रखी है, लेदर सीट है, और स्क्रैम्बलर टाइप है, थोड़ा सा इसका टेल हमने छोटी कर दिया, तो बट दो बंदे इजीली बैठ सकते हैं। बट ये कैफे रेजर लुक या स्क्रैम्बलर लुक तभी लगेगा जब बाइक थोड़ी सी शॉर्ट होगी, क्योंकि लंबी होगी तो वो मजा नहीं आ पाएगा। थोड़ी सी शॉर्ट हो, लंबी होगी तो फिर ये जो लुक है ये नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ये फेंडर भी हमारा हैंड फैब्रिकेटेड है हमारी वर्कशॉप पे, ठीक है, इस पे ये टेल लाइट LED दे रखी है। इन केस अगर बंदा लाइक बारिश के मौसम में या कभी भी चलाना चाहे तो छींटे नहीं आए, तो छींटे ना आए तो हमने एक ये टायर हगर दे रखा है। जो मेरे को एक चीज बाइक में समझ में आ रही है वो ये है कि हर कोई बंदा अपना बाइक का इंजन जो है वो मैट ब्लैक रखता है। हाँ जी, इस बाइक में ब्लैक के साथ जो थीम रखी गई है पूरा, वो मुझे लग रहा है कि ज्यादा
आपको अट्रैक्ट कर रही है कि भाई इंजन भी इसका पूरा शाइनी है, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो भैया अगर हम इसके बजट की बात करें, क्यों, क्योंकि भाई दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर दिख रहा है, अगर हम इसके बजट की और इसके टाइम की बात करें तो कितना एस्टिमेट है? देखो मिनिमम 2 लाख बजट है, ठीक है, दोनों का ही, ठीक है। वो एक्चुअली इसमें लग रहा है, बट उसमें कुछ अलग डिटेल्स है, लाइक उसमें लेदर के बैग्स वगैरह है, बट मेरे हिसाब से काम इक्वल है दोनों में। अच्छा अच्छा, हाँ, लेदर के बैग्स दे रखे हैं, टैंक स्ट्रैप्स दे रखी हैं, ठीक है, उसमें भी काफी चेंजेस है। एक काम करते हैं, इसको भी हाथ के हाथ कवर कर लेते हैं, उसके बाद प्राइस तो छोड़ो, टाइम का पूछ लेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें, टायर्स सिमिलर है, व्हील्स सिमिलर है, ठीक है, इंजन इसका भी थोड़ा बहुत हमने ब्लैक कर रखा है, कंप्लीट कस्टम पेंट जॉब है, ओके, थोड़ा सा ज्यादा वो दिखाने के लिए, ओल्ड स्कूल फिनिश देने के लिए हमने प्योर लेदर बैग्स हमने लगा रखे हैं, दोनों साइड है ये, हाँ। सेम ऐसी टैंक बेल्ट्स और टैंक पैड, ये जानबूझ के लगाई है जिससे कि कंट्रास्ट आ जाए उस तरीके का, थोड़ा सा मतलब लुक थोड़ा चेंज हो, क्योंकि काफी हम वैसी बाइक्स भी बना चुके हैं, तो थोड़ा सा लुक चेंज हो, थोड़ा सा और क्या लाइक ट्राई कर सकते हैं, तो उस हिसाब से किया। ओके ओके, और पीछे भी सेम ही है, दोनों का बैग तो सेम है, बैग सेम है, बस फ्रंट में थोड़ा सा मुझे लगा कि उसमें आपने जो ये आपके मीटर होते हैं वो साइड में कर दिए, हेडलाइट उसकी ओरिजिनल है, मतलब वैसे हमने एलईडी डे मेकर हेडलाइट लगा रखी है, ठीक है, हेडलाइट डूम वगैरह सब ओरिजिनल है, सब ओरिजिनल है, हाँ जी। ओके ओके, तो अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं, दोनों में 2 लाख, हाँ मिनिमम 2 लाख, मिनिमम 2 लाख। और अगर भैया एक बंदा जो आता है आपके पास, वो ये बोलता होगा कि जो मेरी नॉर्मल रॉयल एनफील्ड है उसके टैंक या उसके जो टायर निकलते हैं उसके मडगार्ड, उसका आप क्या करते हो, ले लेते हो या फिर वापस दे देते हो? देखो कहीं में इंक्लूडिंग होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें इंक्लूडिंग ही है क्योंकि काफी चीजें हमने रीयूज कर रखी हैं, ठीक है, इसके जैसे व्हील हब्स वगैरह है और भी चीजें रीयूज कर रखी हैं, बाकी लाइक अगर सिर्फ इंजन यूज करते हैं और चेसी यूज करते हैं, हाँ। बाकी हर चीज चेंज करते हैं तो ही इज वेलकम, वो अपना सामान ले सकता है, ठीक है, हाँ ऐसा पॉसिबल। तो यार आप सामान दे भी सकते हो, और अगर आपका मन है कि भाई मैं ले जाऊंगा, भैया एक चीज तो है, इन बाइक्स में जो कस्टमाइजेशन हुई है या मॉडिफिकेशन, मान लो अगर बंदे का मन भर जाता है तो ऑब्वियसली वो पुरानी चीजें अपनी थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ तो लगा ही सकता है इसमें, हाँ। चेसिस में तो हमने कुछ नहीं किया, बस हाँ पीछे तो थोड़ी सी काटी है, पीछे से चेंज की है, बट आगे से ये हो सकती है, हाँ ऑलमोस्ट लाइक 3-4 पार्ट्स के अलावा वो सारी चीजें अपनी वापस फिट कर सकते, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर आपका मन भर जाता है तो या तो डिजाइन चेंज करा लो, नहीं तो अगर आपको सिंपल सोबर रखनी है, आपको बेचनी है, कुछ भी करना है, तो आप वापस उसको वैसा कर सकते हो। तो टाइम अगर मैं बात करूं कि टाइम फ्रेम कितना लगा है बाइक को बनने में, 2 मंथ्स, 2 महीने में आपने बाइक तैयार कर दी है, तैयार हो जाएगी, मतलब बेसिकली मैंने ये चीज देखी है कि भाई हर कोई बंदा ये बोलता है कि 7-6 महीने तो लग ही जाते हैं, यहाँ पे 2 महीने में अगर आप अपनी बाइक देते हो तो 2 महीने के अंदर ना, 2 महीने होते कितने, 60 दिन में आपको आपकी बाइक मिल जाएगी। और अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे कस्टम इंडिकेटर्स हैं, अगर हम शॉकर्स की बात करें तो यहाँ पे शॉकर ग्रिप्स लगी हुई हैं, और आप एक बार पास से देखो बाइक को कि यार एक एक डिटेल चीजें, मतलब एक स्क्रैच नहीं है बाइक पे, जैसे बहुत से लोग करते हैं ना कि भाई बाइक कस्टम करा ली, भैया बाइक में ये चीज़ नहीं है, बाइक में वो चीज़ नहीं है, पास से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई एक एक डिटेल जो करी गई है इसमें, भाई एक नंबर लग रही है बाइक। तो भैया बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट था, पहले हमने दिखाई थी अपनी क्वीन, इसका आपने नाम भी रख रखा था, इसका हमने फैल्कन रखा है, फैल्कन नाम रखा, फैल्कन रखा। और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो क्या क्या आ रहा है अपना? आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, हाँ उसमें फुल चेंज ओवर है और काफी डिटेल जॉब्स है, मतलब उसको आप कस्टम बिल्ड बोल सकते हो प्रॉपर, जैसे अपनी क्वीन थी, हाँ जैसे अपनी क्वीन थी। तो यार एक से एक कस्टमाइजेशन हम ला चुके हैं, चैनल पे आ चुकी है, अगर आपको बाइक्स अच्छी लगी हो, भैया का काम अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्यों, क्योंकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस, ऐसी कस्टमाइजेशंस भाई मैं लाता रहूंगा। तो लेके चलते हैं इनको रोड पे और आप देखो इंडिविजुअल और साथ साथ में दोनों के राइडिंग शॉट्स।